लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। से पहले मेरा बाप हीरा था, उनके बाद मैं हीरा बना और आज हीरा मेरा बेटा। शाबाश बेटा, तुमने हीरा के खानदान की परंपरा को कायम रखा। तुमने वो कारनामा करके दिखाया जो आज तक मेरा बाप भी नहीं कर सका। पर पिताजी, मैं फैसला कर चुका हूं कि अब मैं इस परंपरा को तोड़ूंगा। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? यह बकवास नहीं, कड़वा सच है। मैं वचन दे चुका हूं पिताजी कि आज के बाद मैं कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। वचन? किसे वचन दिया है तुमने? आपकी होने वाली बहू को। इस खानदान में बहू का फैसला बाप करता है बेटे। तुम एक अमीर आदमी के बेटे हो, तुमने मुफलिसी नहीं देखी है। दौलत के लिए जिस दिन ठोकरें खाओगे, अपने आप हीरा बन जाओगे। और उस हथियार फेंक दो वरना तुम्हारे सर उड़ा दूंगा। हीरा, अब तुम पुलिस के हाथों से बच नहीं सकते। पहले यह सोचो कि तुम हीरा के हाथों कैसे बचोगे। तुम्हारे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो सामने है। अगर अपनी जान बचाकर भाग सकते हो तो भागो। क्या अंजाम होता है जो हीरा तक पहुंचना चाहते हैं, और उससे भी बुरा हशर उनका होता है जो हीरा की परंपरा तोड़ने की कोशिश करते हैं। पिताजी, इस जंग का फैसला तो अब वक्त ही करेगा। मैं भी देख लूं आपकी दौलत की जीत होती है या मेरी मोहब्बत की। हीरा का खेल हमें हमेशा हमेशा के लिए बंद करना होगा। ये तीनों लाशें उन काबिल पुलिस ऑफिसरों की हैं जो हीरा को तलाश करने के लिए गए थे। मुझे पूरा यकीन है कि इन तीनों की मौत में हीरा का ही हाथ है। इंस्पेक्टर चौधरी, तुम पुलिस डिपार्टमेंट के एक काबिल पुलिस ऑफिसर हो, इसलिए मैंने फैसला किया है कि हीरा का केस तुम्हें सुपुर्द किया जाए। सर, मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि हीरा जैसे खतरनाक मुजरिम का केस जो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए चैलेंज बन गया है, आप मुझे सौंपे। मैं आपसे वादा करता हूं इस केस को सॉल्व करने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। आज तो तुम्हें अंदर आने होगा। लेकिन भैया इंतजार कर रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं, चलो। सलाम साहब। ये तो मेरा घर है और तुम्हारा होने वाला बहुत बड़ा है। आओ, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। चलो चलो, कम ऑन।
माँ का कमरा है। जानती हो उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी? क्या? वो अपनी बहू को शादी के जोड़े में देखना चाहती थी, और वही शादी का जोड़ा जो उन्होंने खुद अपनी शादी में पहना था, और मेरी भी यही ख्वाहिश है। बस सिर्फ एक कमी रह गई, मैं अभी आया। राय बहादुर, ये कपड़े पिताजी, गीता को ये कपड़े पहनने का पूरा हक है। रास्ते का हर पत्थर महल का हीरा नहीं बन सकता। पत्थर से ही हीरा बनता है पिताजी, और ये जरूरी नहीं कि वो पत्थर महल का हो, और ये भी जरूरी नहीं कि मैं उसी से शादी करूं जिसे आप हीरा समझें और मैं पत्थर। खामोश! होश में हो या नहीं, जानते हो किससे बात कर रहे? मैं जानता हूं पिताजी, और मैं होश में भी हूं। मैं समझूंगा मेरा बेटा मेरे कुल को चलाने वाला मेरी जायदाद का वारिस मर चुका है। निकल जाओ। अरे भाई चौधरी साहब, हमारे बेटे को तो आपने देख लिया, मगर हमारी होने वाली बहू को अभी तक नहीं दिखाया आपने। कहां गई है गीता बेटी? जी वो सहेली के घर गई थी, बस उसे आ जाना चाहिए अभी तक। कहीं ऐसा तो नहीं चौधरी साहब कि उसे ये रिश्ता नामंजूर हो और वो किसी? क्या बात कर रहे हैं लाला जी, मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानता हूँ, वो वही करेगी जो मैं चाहता हूँ। ये क्या मजाक है चौधरी, हम लड़की देखने आए थे, किसी की बीवी नहीं। बहुत शरीफ है जी लड़की, जो भाई कहते हैं वही करती है। छी 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 छी, अच्छा हुआ शादी से पहले पता चल गया। चलो जी चलो। हाँ, चलो भैया। बात यह है कि मैं मर गया तेरा भाई, मर गया तेरा भाई। आज वो मेरी मासूम बहन जो मेरी मर्जी के बगैर एक कदम नहीं उठाती थी, आज अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला करके चले हैं मेरे सामने। इससे पहले कि मैं कुछ कर गुजरूं, तुम दोनों यहां से चले जाओ, चले जाओ यहां से। चौधरी साहब देखिए, हम दोनों आप गलत समझ रहे हैं चौधरी साहब। इससे पहले कि मैं कुछ कर गुजरूं, तुम दोनों चले जाओ यहां से।
चल निकल इधर से। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पकड़ती हूँ। इस हालत में मुझे घर से बाहर निकाली। मेरे पति आज कहीं ना कहीं से आपको जरूर पैसे ला कर दे देंगे। 9 महीने हो गए अभी तक तेरे पति ने एक पैसा नहीं दिया और पति पति की रट लगा रखी। चल यहाँ से निकल। गीता, 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 मेरी बहन, तू नहीं जानती मैं तुझे घर से निकाल कर कितना पछता रहा हूँ। कोई भाई अपनी बहन के बगैर कैसे जी सकता है? मेरा है ही कौन? मेरे माँ बाप की निशानी ले लेकर तू ही तो है। तुझे मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। चल मेरे साथ घर। नहीं भैया, मुझे यही छोड़ गए, मुझे यही से ले जाएंगे। मैं उनको समझा लूंगा और फिर मैं इनको बता देता हूँ कि तू मेरे साथ चल रही है। चल घर चल। नहीं भैया, आप नहीं जानते वो कितने खुददार है। वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे और वो ये भी नहीं पसंद करेंगे कि मैं उनके इजाजत के बगैर आपके घर गई हूँ। चल पगली चल, अपने भाई के प्यार के सामने पति की खुददारी इतनी बड़ी हो गई तेरे लिए आज। तो वही बहन है जिसको मैंने यहाँ से इतनी बड़ी होते देखा है। वो ये नहीं समझेंगे मैं कितना प्यार करता हूँ तुझे। चल चल मेरे साथ घर चल, मैं उन्हें समझा लूंगा।